Nandini! Nandini! Rajdeep! अरे वाइफ कहाँ है मेरी? दूर आओ! वाइफ को लेने आया हूँ मैं। बड़ा वाइफ वाइफ याद आ रहे हाँ? जब रात को उस सड़क पे जख्मी हालत में पड़ी थी तब कहाँ थे? तब नहीं याद आई तुम्हें? और अभी तुम जाओ यहाँ से, यहाँ पर कोई नाटक नहीं चाहिए। बहुत नाटक हो गया हाँ? बहुत नाटक कर लिया, बात हो चुकी है, चलो चलो घर, चलो चलो घर, चलो। जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है घर में। एक्चुअली टुडे इज द फर्स्ट डे दैट वी हैव गॉट नंदिनी टू आवर हाउस आफ्टर ऑल दैट मेस दैट हैपेंड ऑन द रोड। जब उसको रास्ते पे उसको छोड़ दिया था, उसको मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, उसको ठीक करा के फिर मैं घर लेकर आता हूँ। तो बेसिकली राजदीप पी पा के घर पे आता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। And he just wants to take Nandini back his home. So हम लोग उसे ऑफ़ कोर्स लेके जाने देते नहीं, बिकॉज वी नो कि वो कितना अब्यूजिव हस्बैंड है और किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि उसे यहाँ से भगा दिया जाए। आइडियली स्पीकिंग, लॉजिकली भी अगर आपको इतना अब्यूजिव हस्बैंड होगा तो कोई भी यही स्टेप लेगा, और वही कुणाल मौली करते हैं, नहीं जाने देते हैं नंदिनी को। और नंदिनी खुद भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो रोज़ क्यों मार खाना चाहेगी अपने पति से, जबकि उसका पति इतना इनह्यूमन है। So that is why we are just doing a social cause by doing that, and at the same time wo best friend hai Molly ki, so that is why we plan to decide. Agar koi Rajdeep action lega to definitely hum bhi action lenge, fir hum police protection lenge ya kuch na kuch lenge, chup to baithne wale hain nahi, aur kisi ki ladki ki zindagi ki sawal hai, so obviously uski safety, uske protection ke liye we have to take some of the other step. Rajdeep, band karo ye tamasha aur jaao yahan se, Nandini nahi jayegi tumhare sath। इस घर में जब उसे लेकर आए थे ना, इतनी बुरी हालत में थी वो, उस घर में वापस नहीं जाएगी। तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। धमकियां मत दो मुझे मौली। मौली उसका जो कोतवाल को डांटे, उसका चोर कोतवाल को डांटे, एक तो मेरी पत्नी को यहाँ पे छुपा कर बैठे हो और ऊपर से पुलिस की धमकी दे रहे हो तुम मुझे।